Let's go. अस्सलाम वालेकुम भाई, YouTube फैम कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। तो भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों की फेवरेट फूड ब्लॉगर मारिया बारी आप खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वन ऑफ द फेमस बिरयानी स्पॉट्स विच इज कादरी नली बिरयानी। तो भाई मैं मौजूद हूँ इस बार कादरी नली बिरयानी पर। लास्ट टाइम हमने विंटर्स में ट्राई की थी गौसिया नली बिरयानी, और इस दफा जो है वो मैं ट्राई करने आ गई हूँ। अगेन विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो विंटर सीजन में बिरयानी का जो है वो एक अपना ही मजा होता है। तो अब मैं मौजूद हूँ इस बार कादरी नली बिरयानी पर। तो भाई ट्राई करते हैं कादरी नली बिरयानी। सबसे पहले तो देखते हैं इनके पास क्या क्या है। मैंने सुना है इनके पास नली पुलाव भी है, तो लेट्स सी हम डिसाइड करते हैं कि हम बिरयानी ट्राई करने वाले हैं या फिर नली। तो देखते हैं इनके पास क्या क्या है, चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ। तो भाई क्या क्या है आपके पास जरा बताइएगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर कादरी नली बिरयानी है और नली पुलाव है। अच्छा, वैसे आप लोगों का मोस्ट रनिंग आइटम कौन सा है ज्यादा, वैसे लोग क्या खाना? दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा चलते हैं। कादरी नली बिरयानी भी चलते है, कादरी नली पुलाव भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल में फिर हम दोनों को शायद एक एक ट्राई देते हैं। पुलाव भी इनकी ट्राई करते हैं और बिरयानी भी ट्राई करते हैं। कौन है ये लोग? तो जब तक हम ऑर्डर देते हैं आप देखें बिरयानी के शॉट्स। मजा नहीं आ रहा है। जी भाई, तो हमारा पुलाव जो है वो आ चुका है। आप लोग ये मत कहिए कि बहुत थोड़ा सा पुलाव है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें पुलाव और बिरयानी दोनों ही चीजें ट्राई करनी है, ताकि हम दोनों का जो है वो रिव्यू एक साथ ही कर सकें। तो सबसे पहले हमने मंगवाया है पुलाव। पुलाव हमने सादा मंगवाया, बिरयानी हम जो है वो नली बिरयानी ट्राई करेंगे, ताकि हम कंपेरिजन कर सकें गौसिया और कादरी का कि कौन सी बिरयानी जो है वो ज्यादा बेस्ट है। तो भाई पुलाव का पहला बाइट मैं लेने लगी हूँ। अच्छा, वैसे माशाल्लाह ये देखें, बीफ की क्वांटिटी तो अच्छी खासी है। ये एक, दो और ये एक, तीन जो है वो बीफ के पीसेस हैं इसमें। तो ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बीफ भी ऐड हो चुका है और राइस भी आ चुका है, तो ट्राई करते हैं। अच्छा, वैसे जो ऑथेंटिक पुलाव और बिरयानी होती है ना, उसका टेस्ट बगैर रायते के ही आता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिरयानी और पुलाव के साथ जब तक रायता ना हो मज़ा नहीं आता। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मे भी आप लोग इससे डिनाई करें, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि बिरयानी और पुलाव इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके साथ किसी और चीज़ की जरूरत ही ना पड़े। तो ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बाइट में ही जो है वो वाकई दिल को अच्छा लगा है। नहीं, नो डाउट अच्छा है, बहुत जूसी है। पुलाव में भी जो यखनी का, जो बीफ की यखनी का टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस हो रहा है, तो पुलाव भी बहुत अच्छा है। और बीफ भी जो है वो टेंडर है, रोटी तोड़ने में कुछ ज्यादा आपको परेशानी नहीं हो रही है। हमको सिखा रिया है ये, अगर आप, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें रोटी भी जो है वो बिल्कुल टेंडर है। ये देखें, बहुत इजीली जो है वो टूट रही है। नो डाउट पुलाव का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत जूसी है। एक और बाइट लेते हैं। और मैं पर्सनली थोड़ी रवास वाली बोटी पसंद करती हूँ, तो उसके साथ तो बहुत ही आउट क्लास टेस्ट दे रहे हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ बिरयानी के साथ।
मजेदार सी जो है वो बिरयानी हमारे पास आ चुकी है। लेट मी शो यू गाइस कितनी इंडल्जिंग लग रही है। और अब बाकी इसको सबर नहीं हो रहा। और नली देखें क्या जबरदस्त नली निकली है भाई, बेहतरीन जबरदस्त होने वाली है ये बिरयानी तो मुझे लग रहा है। और अब देखते हैं ट्राई करते हैं इसको। पुलाव को तो मैं इनके रेट करूंगी 9/10, मुझे पुलाव जो है वो अच्छा लगा और पुलाव को मैं 9/10 रेट करूंगी। लेट्स सी इनकी बिरयानी कैसी है। तो भाई सारी चीजें जो है वो एक ही बाइट में डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने उठा ली नली, मैं स्पून चेंज करूँ, बड़े वाले स्पून से खाऊँ ना ताकि ज्यादा इंजॉय कर सकूँ, ज्यादा मजा आए और रिव्यू भी फिर आपको जो है वो उसी तरह अच्छा सा मिल सके। तो ये आ गई भाई नली, ये आ गया हमारे पास बीफ। और इतना ज्यादा स्पून भर लिया है कि अब जो है वो उसमें चावल की स्पेस नहीं आ रही। ये भैया मेरा स्पून हो चुका है रेडी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं बिरयानी को मिक्स करके उसके बाद ट्राई करते हैं ताकि जो मसाले का टेस्ट है ना उसका आइडिया हो जाए कि मसाला किस टाइप का है। मैं बगैर नली के ट्राई करती हूँ। ये आ गया बीफ और इसके साथ आ गया राइस। नो डाउट बिरयानी भी इनकी अच्छी है और बिरयानी की रेटिंग जो है ना वो मैं आपको उसको फिनिश करके दूंगी। तो भाई इसे फिनिश करते हैं पहले और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बिरयानी की रेटिंग पर। तो भाई देखें बिरयानी जो है वो हम फिनिश कर चुके हैं। आप लोगों को अपने साथ साथ रखा हुआ था, मैंने दिखाया है कि हम लोग जो है वो किस तरह से बिरयानी फिनिश कर रहे थे। तो बिरयानी भाई हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। और अगर मैं बिरयानी को रेट करूंगी तो बिरयानी को मैं रेट करूंगी 7/10। मुझे जो है वो इनकी बिरयानी को इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। अगर मैं कंपेयर करूँ उसकी वॉसिया लगी बिरयानी से तो मुझे वॉसिया जो है वो ज़्यादा बेटर लगी। तो मैं बिरयानी को रेट करूँगी 7/10। अच्छा मेरे साथ जो मेरी एक फूडी पार्टनर है, लेट मी शो यू ये जो मेरे साथ एक फूडी पार्टनर हैं, इन्हें जो है वो बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगी है और मुझे पर्सनली जो है वो पुलाव ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट बट्स, ठीक है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पुलाव ज़्यादा पसंद है तो ऑब्वियसली आपको पुलाव ही पसंद आएगा, क्योंकि मैं जो है वो बेसिकली अगर मुझे पुलाव और बिरयानी में ऑप्शन दिया जाए तो मैं बिरयानी को पुलाव को चूज़ करूँगी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी। तो मुझे जब इनका पर्सनली पुलाव ज़्यादा अच्छा लगा है, पुलाव को मैंने रेट किया था 9/10 और बिरयानी को मैंने रेट किया 7/10। बिरयानी में मुझे इनका थोड़ा ऑयल भी ज़्यादा लगा था तो मुझे इस वजह से जो है वो बिरयानी को ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं इनका नली पुलाव या नली बिरयानी तो आप लोग विजिट करें कादरी नली बिरयानी। और मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह पर किसी नए फूड के साथ। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।